गोरखपुर में गोला बाजार कस्बा के बेवरी गांव में सरयू नदी पर निर्माणाधीन गोला हाजीपुर पुल के निर्माण कार्य के दौरान एक क्रेन सरयू नदी में डूब गया, जिसको निकालने की दिन रात कवायद चल रही है। क्रेन को दूसरे क्रेनों के सहारे डूबने से रोका गया है, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग सकी है। बीते 26 मार्च को अपराहंग फोरमैन की लापरवाही से क्रेन सरयू नदी में समा गया। ऑपरेटर अरविंद पासवान ने सूझबूझ से किसी तरह से अपनी जान बचाई। इस पूरे घटनाक्रम में वहां अन्य गाड़ियों के ऑपरेटरों में फोरमैन के खिलाफ काफी रोष है। क्रेन ऑपरेटर अरविंद ने बताया कि अपराहंग पंजाब प्रांत का निवासी फोरमैन काली ने कहा कि 5 नंबर पर कंक्रीट करने के लिए सिंगिंग करना है, गाड़ी वहां लेकर चलो। मैंने फोरमैन से रास्ता ठीक न होने का हवाला देकर मना कर दिया, जिस पर फोरमैन ने नाराजगी जताते हुए जबरिया क्रेन ले जाने को कहा। क्रेन जैसे नदी के तट पर पहुंची कि फोरमैन ने चलती क्रेन पर स्विंग पकड़ लिया, वह डिसबैलेंस होने लगी। मैं मना करता रहा, स्विंग छोड़ दो, लेकिन नहीं माना और क्रेन खिसक कर नदी में गिरी। मैं किसी तरह से कूद कर अपनी जान बचाया। अभी नदी में सिर्फ उसका वाकेट दिख रहा है, उसे निकालने का प्रयास अभी जारी।